हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। सभी जन ठीक होंगे और अगर ठीक नहीं है तो हो जाएंगे, बिलीव मी फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, थर्ड पार्टी रीडिंग। थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन का क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो है, जिनके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में, या जिनको शक है कि अभी भी शायद थर्ड पार्टी में है, तो उनका मैं रीडिंग कर रही हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं ऐसे बोलूँगी, देखो एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी हो सकती है ये सिचुएशन में, कि उनको बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा होगा इस सिचुएशन में, या वो बहुत टाइट डाउन महसूस कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत, देखो बेसिकली उनके हार्ट्स का क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है थर्ड पार्टी, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि उन कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसमें इंसान मुँह छुपा के रखे, तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से क्या इनको लग रहा है कि बहुत डिस्गस्टिंग है, या बहुत उनकी इंसल्ट हो रही है, ऐसा कुछ मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है। इसलिए थर्ड पार्टी जरा भी अच्छे मूड में नहीं है, बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रही है, आपके पर्सन क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से। कोई भी चीज़ हो सकती है, दोनों को मतलब कभी भी रीडिंग करते हैं ना, किसी की भी एनर्जी इंटर एक्सचेंज हो सकती है। सपोज भाई आपकी दो जन की रीडिंग करते हैं तो कभी फीलिंग उनकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, समझ रहे हो आप। तो दोनों में से किसी एक की फीलिंग ऐसे हो सकती है। और ये जस्टिस का कार्ड आ रहा है तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है, वो प्लस टेन ऑफ पेंटिकल्स और फाइव ऑफ कप्स, आपके पर्सन डेफिनेटली या थर्ड पार्टी गिल्टी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि फैमिली वाले ने मुझे लगता है बहुत समझाया है, या फैमिली इन्वॉल्वमेंट मुझे इस चीज़ में होते हुए दिखी है। जस्टिस कार्ड ऐसा, कभी जस्टिस एक लीगल मैटर होता है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कोई लीगल मैटर हुआ हो, कुछ फैमिली इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से कुछ लीगल केस हुआ दोनों के बीच में, या सपोज आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो लीगली डिवोर्स लेने का कुछ सिचुएशन हो सकता है, इसकी वजह से थर्ड पार्टी को बहुत लॉस दिखाई दे रहा है, या बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है, मतलब वो ना बहुत उदास लग रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है। ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है, इस तरह की एनर्जी थर्ड पार्टी को या आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के लग सकता है। और फैमिली इन्वॉल्वमेंट मुझे डेफिनेटली लगता है, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए हैं, या तो थर्ड पार्टी की तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ। और जस्टिस कार्ड है तो लीगल केस तो हो ही जाता है, कुछ नहीं चाहते हुए भी लीगल मैटर या लीगल इन्वॉल्वमेंट कुछ ना कुछ आ जाती है, समझ रहे हो। या तो दोनों के बीच में इतनी बड़ी फाइट्स हो जाती है कि फैमिली इन्वॉल्व हो जाते हैं, पुलिस केस हो जाता है, बहुत लोगों के बीच में मैंने इसे देखा है कि है ना, उसकी वजह से बाद में बहुत गिल्टी फील करना कि क्यों पुलिस केस हुआ, क्यों ऐसे हुआ, ऐसे इतनी सिचुएशन ख़राब नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ मुझे बार बार लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड इस तरह के खुल रहा है, इसमें फूल कार्ड है, इसमें कैसे शुरुआत, एक इंसान जो शेखचिरी जैसे बिहेव कर रहा है, जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने जिस डाल पे, जैसे आपके पर्सन पे ही बैठे हैं, आपके पर्सन के ऊपर ही वो ना मुँह धो के बैठे थे, उन्हीं के साथ में उन्होंने बैड बिहेव कर दिया, तो वो डाल जिस डाल पे बैठे उसी डाल को काटना यही बोलते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत फुलिश बिहेवियर कुछ थर्ड पार्टी की तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से, दोनों के लिए एक दूसरे की तरफ से आया है, बहुत ही फुलिश बिहेवियर। मतलब ये रिश्ता ऐसे बोलते हैं ना कि जिस डाल पे बैठे उस डाल को ही काट रहा है इंसान, तो वो सिचुएशन हो गई है। कि नाइट ऑफ वैंड्स है तो मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी उनके बीच में बहुत इन आउट सिचुएशन चल रही है, मतलब कभी बातचीत हो रही है या बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत हो रही है तो बहुत आर्ग्यूमेंटिव बातचीत हो रही है, बहुत कुछ हो सकता है, कुछ है ना जो एक दूसरे को गिफ्ट दिए वो भी वापस रिटर्न कर रहे होंगे, या क्योंकि मटेरियलिस्टिक का एक्सचेंज भी मुझे दिख रहा है कुछ है ना, या तो पैसे की कुछ बात है तो पैसे उनको दे रहे हैं या उनको ले रहे हैं, ये ऐसे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। बहुत ज़्यादा झगड़ा और है ना, जस्टिस कार्ड है, लीगल मैटर भी कुछ लोगों का, हर एक का नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के केस में लीगल मैटर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लीगल सिचुएशंस हो सकती है। तो आप खुद ही देखो ना किस तरह के कार्ड्स है, एक तो जस्टिस कार्ड आपको सबको पता ही है, ये देखो फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, ये एट ऑफ सॉल्स का कार्ड है, ये थ्री ऑफ सॉल्स का कार्ड आ रहा है, आप ये देखो फूल का कार्ड आ रहा है, किस तरह का फूल है ये, देखा भाई फूल, ये फूल नई शुरुआत है, लेकिन किस तरह की शुरुआत है, जिस डाल पे बैठा उसी डाल को काट रहा है, तो ऐसे इस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये ना किस तरह की सिचुएशन आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच में चल रही है, बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रही है। मैं ये बोल रही हूँ जनरल रीडिंग है, आपकी रीडिंग हर एक जरूर नहीं कि रेजोनेट हो, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा के देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बेसिकली। मेरे को जब मुझे स्पिरिट से कंफर्मेशन मिलता है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है। उसमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अभी भी आ रहा है दोनों में, तो मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ है ना एक्सचेंज ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स वापस चल रहा है, कि वो दोनों जन गुस्से में एक दूसरे को अपना चीज़ें वापस कर रहे हैं, ये क्योंकि आपके पर्सन ने उनको अपना एम्प्रेंस समझ लिया था, मतलब अपना अल्टीमेट पार्टनर समझ लिया था, शायद यही पार्टनर मेरी लाइफ में है, लेकिन अभी गॉड उनको बता रहा है कि तुमने रॉन्ग कब चूज़ किया,
तुमने जो पर्सन को तुमको चूज करना चाहिए था वो चूज नहीं किया, तुमने रॉन्ग जस्टिस रॉन्ग कप की तरफ चले गए, रॉन्ग पर्सन की तरफ मुड़ गए, तो गॉड अभी उनको बता रहा है कि राइट कप कौन सा है। क्योंकि ये सब चीज़ होती है ना, तभी समझ जाता है कि मैंने कितना रॉन्ग डिसीजन लिया है। इसकी वजह से आपके पर्सन का फाइव ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो वो एकदम गिल्टी फील कर रहा है। वापस जस्टिस का कार्ड आ रहा है, देखो जस्टिस यहाँ पे भी, जस्टिस यहाँ पे भी, तो कुछ ना कुछ लीगल मैटर मुझे लगता है कुछ लोगों का हो सकता है, या कुछ फाइट्स हो सकती है इस तरह की बुरी तरह से कि लीगल कोर्ट पुलिस केस तक हो जाए, या को ऐसा कर सकते हैं। ऐसा ऐसी सिचुएशन नहीं है और ऑलरेडी मैरिड है आपके पर्सन, तो लीगल मैटर मतलब कुछ ना कुछ डिवोर्स के लिए प्रोसीडिंग्स करना या उसके लिए आगे बढ़ना। अगर वो भी नहीं है, सपोज आपके मैरिड नहीं है, तो कुछ ना कुछ आपको जस्टिस शनिदेव आपका जस्टिस डेफिनेटली करेंगे, ये आप समझ के लीजिए। सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, इसमें देखो इस किस तरह की डार्क एनर्जी। सेवन ऑफ सॉर्ड्स मतलब जो हिडन मोटिव्स थे थर्ड पार्टी के या किसी के भी आपके पर्सन के, जो भी हिडन मोटिव्स है वो जस्टिस शनिदेव सामने लेके आ रहे हैं। वो सामने वाले पर्सन के हो चाहे आपके पर्सन के हो, कुछ हिडन मोटिव्स रहते हैं, मतलब रॉन्ग इंटेंशन रहते हैं, तो वो रॉन्ग इंटेंशन सबके सामने आ रहे हैं। क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स, इसमें तीन पार्टिकल्स, तो तीन पर्सन तो इन्वॉल्व थे। ये पर्सन आपके शायद थर्ड पार्टी को नहीं पता था या आपको नहीं पता था कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आपके पर्सन को तो पता था ना कि वो यहाँ पे भी आपको भी लटका के रखे हैं, थर्ड पार्टी को भी लटका के रखे हैं। तो ये जो हिडन मोटिव था उनका हमेशा से वो सामने आ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। और हो सकता है थर्ड पार्टी को लग रहा हो कि ये मैं जिसके गले में चेन डाल के रखी थी वो तो कभी मेरे साथ में था ही नहीं, वो तो हमेशा किसी और की तरफ था, ऐसे भी लग सकता है। या हो सकता है थर्ड पार्टी को ऐसे लगे कि ये इसकी चेन तो कि हमेशा किसी और के हाथ में थी, मेरे हाथ में तो कभी इसकी चेन थी ही नहीं, मतलब ये आपके पर्सन मैस्कुलिन कभी उनके थे ही नहीं। ये चीज़ हो सकती है कि जस्टिस कार्ड आ रहा है तो कुछ ना कुछ न्याय तो मिलते हुए दिख रहा है, कुछ ना कुछ ना हिडन मोटिव किसी के भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं, वो सामने आएंगे डेफिनेटली और ना आपको जस्टिस मिलेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक चीज़ हो गई, बहुत ज़्यादा चीज़ें खींची जा रही है काफ़ी टाइम से, तो वो चीज़ का भी एक एंड तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो वो सब चीज़ों का एक मुझे एक एंड आते हुए दिख रहा है, एक क्लोजर आते हुए दिख रहा है, एक आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। और अगर ना आपके आपको भी गॉड ना बहुत ना स्ट्रेंथ रखने को बोल रहे हैं कि आप अपना स्ट्रेंथ रखिए, स्ट्रेंथ मत लूज़ कीजिए, मैं आप लोगों को बोल देती हूँ। माय गॉड किस तरह से कार्ड खुल रहे हैं, देख रहे हैं एग्जॉस्टेड का कार्ड आ रहा है। दोनों जन एक दूसरे से पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो गए हैं, ड्रेन्ड हो गए हैं दोनों जन एक दूसरे के साथ में। थर्ड पार्टी और आपके पास कंप्लीटली एग्जॉस्टन की एनर्जी में आ गए। एग्जॉस्टन मतलब इंसान एक दूसरे से एकदम तंग आ चुका है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से तंग आ गए, ये तरह की एनर्जी आ रही है। और दूसरों को देखो किस तरह से डिसगस्टेड, एक दूसरे को इस तरह की मीनफुल बातें बोल रहे होंगे ना कि आपको बता नहीं सकते, मतलब दोनों एक दूसरे को डिसगस्टिंग फील करवा रहे हैं कि ये नहीं तुम ऐसे हो या तुम वैसी हो या तुम वैसे हो। दोनों जन एक दूसरे को इतने गंदे गंदे मीनिंग मतलब ऐसे मीन वर्ड्स बोलते हैं, चुपती बातें बोल रहे हैं कि ये ना तुम तो डस्टबिन हो, मैंने डस्टबिन में हाथ डाल दिया। ऐसे कितने लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे ऐसे बातें बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ें उन दोनों के बीच में चल रहा है, तो उसके जैसे बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं आपके पर्सन और बहुत रेजिस्टेंट महसूस कर रहे हैं। वो अपने आप को बहुत डिफेंसिव करके रखे हैं अभी एट प्रेजेंट आपके पर्सन। क्लोज्ड अप होंगे या वो अकेले में टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहे होंगे या बहुत ज़्यादा किसी से ना मिलजुल रहे होंगे या दिखाया। कभी कभी क्या होता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ना बैड चलता रहता है लेकिन दिखाते बहुत अच्छा है कि मैं तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है थर्ड पार्टी मेरे साथ में क्या कर रही है, कोई मेरे साथ में कर रहा है, मैं तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बहुत ग्रेट हूँ, ऐसा इस तरह की एनर्जी में भी होते हैं। लेकिन स्ट्रेस डेफिनेटली है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस है और बहुत डिस्गस्टिंग फील कर रहे हैं कि इस तरह के रिलेशनशिप में क्यों गए, थर्ड पार्टी के साथ में क्यों गए। ये चीज़ आपके पर्सन को डेफिनेटली फील हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो बहुत ही इस तरह के कार्ड्स हैं, बहुत ही जन एक दूसरे को बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। देखो इसमें भी जुडिडिक्शन का कार्ड खुल रहा है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ कुछ ना कुछ लीगल मैटर होते हुए दिख रहा है, जुडिडिक्शन का कार्ड आता है तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि दोनों के बैठ के समझाया जाए, क्योंकि दोनों जन बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं, तो ये इस तरह से गंदी तरह से झगड़ा मत करो, ये चीज़ भी समझाने की कोशिश की जा सकती है। या कुछ लीगल मैटर मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ लीगल मैटर बार बार हो सकता है। और ये हाई ऑनर का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है कि आपकी पर्सन को लग रहा है कि मेरी ये जो कोर्टशिप की वजह से जो लीगल मैटर हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसकी मेरी वजह से मेरी रिस्पेक्ट समाज में खो रही है या समाज में या फ्रेंड्स में मेरी रिस्पेक्ट कम हो रही है, इस तरह की फीलिंग आपके पर्सन को या थर्ड पार्टी को आ सकती है। ये सिचुएशन अभी चेंज हो रही है, जो इन लोग कोर्टशिप कर रहे थे डेफिनेटली वो चेंज हो रहा है, अब वो कोर्टशिप एक साथ में तो नहीं करेंगे डेफिनेटली, इतनी बुरी तरह से झगड़ा हो चुका है तो डेफिनेटली अभी कोर्टशिप तो नहीं होगा। ये चेंज हो रही है, सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो रही है। और ये प्रिविलेज लेडी का कार्ड आ रहा है, ये चेंज होने के बाद ये पर्सन को समझ नहीं आएगा कि मेरी लाइफ में प्रिविलेज पर्सन कौन है या प्रिविलेज पर्सन कौन है, ये चीज़ डेफिनेटली आपके पर्सन को समझ नहीं आएगा। तो ये सिनेरियो अभी एट प्रेजेंट थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में चल रहा है, बहुत ही क्लियर रीडिंग
रिकॉर्डिंग है, बहुत ही क्लियर आंसर्स है कि, और ये हर एक को नहीं रेजोनेट करेगी, मैं अभी भी बार बार बोल रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है। हो फ्रेंड्स आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।